रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, भला बुरे की जांच भी एक दिन क्रेडिट कार्ड हमको दिलवाएगा। कहां तक तुम्हारे चेहरे का बदल दे हम पोजीशन। यह बच्चन पांडे का गंगा किनारे वाला टसा है। जैकलिन फर्नांडिस ने अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ मिलकर बच्चन पांडे के सेट पर क्यों कुछ दिन पहले अक्षय कुमार मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और आपका स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय की अपकमिंग मूवी बच्चन पांडे के बारे में। जैसा कि आप सबको हमारे चैनल को देख के या सिर्फ टीवी और इंटरनेट देखने से पता ही होगा, अगले साल अक्षय कुमार की बहुत सारी बड़ी फिल्में आ रही हैं और उनमें से बहुत सी तो अभी से ही बहुत फेमस हो चुकी हैं और बहुत चर्चा में भी हैं। कुल मिलाकर उनके 8 फिल्में रिलीज होंगी अब अगले साल, जिसे कि अक्षय दोबारा साबित कर देंगे कि वो अभी तक बॉलीवुड के सबसे व्यस्त अभिनेता हैं, बहुत से नए और मशहूर चेहरों से भी ज्यादा। तो बच्चन पांडे उनकी ऐसी ही एक फिल्म है जो कि इस वक्त बहुत चर्चा में है और इसमें उनके साथ को-स्टार कर रही हैं कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस। कृति के इसमें होने की बात तो हम सबको पहले से ही पता थी। इनफैक्ट इस बात एक बड़ी बेबुनियाद अफवाहें भी फैली गई थी कि इसमें जो कृति का किरदार है वो सिर्फ एक सजावट के लिए है और ये इसमें कोई स्ट्रॉन्ग किरदार नहीं निभा रही। और फिर इस पर क्रू ने रिटायरमेंट भी करते हुए ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके डायरेक्टर फरहाद सामजी ने तो एक कहा था कि इसमें कृति का किरदार एक ऐसे हीरो से भी ज्यादा अच्छा है। और फिर कृति के खुद भी साफ साफ ये बात कही थी कि वह इसमें एक बहुत ताकतवर रोल निभा रही हैं। खैर, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये फिल्म दो एक्टर्स के लिए रीयूनियन भी होगी, जो कि जैकलिन फर्नांडिस और अक्षय कुमार। इन दोनों अभिनेताओं ने पहले भी हाउसफुल जैसी फिल्मों में पहले काम कर चुके हैं, पर काफी समय बाद ही वे इस बार फिल्म में एक साथ काम करने जा रहे हैं। इनके इस रीयूनियन से सिर्फ हम फैंस और दर्शक ही नहीं बल्कि वे दोनों खुद भी बहुत खुश हैं, खासकर जैकलिन, जैसे कि उन्होंने इंटरव्यूज के जरिए जाहिर किया है। पर आपको बता दूं, बस इस फिल्म के सेट पे ही ये दोनों नहीं हैं जिन्होंने अब पहले भी साथ काम किया है, बल्कि जैकलिन इस फिल्म में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के भी साथ रियूनाइट कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया, असल में ये इन दोनों की साथ की जाने वाली 8वीं फिल्म है और ये बड़ी ही खुशी थी इस रियूनियन से। चलिए आते हैं अक्षय कुमार की नई खबर पे। असल में अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नोएडा में राइट इन होटल पर मास्क लगाए घूमते देखा गया और लोगों का ये मानना है कि वे यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। दरअसल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ कुछ समय से कुछ प्रभावशाली इंडस्ट्रियलाइज्ड खिलाड़ी अभिनेता वगैरह की एक लिस्ट बना रहे हैं और एक करके वो उन सब से मिल भी रहे हैं। अभिनेताओं में वे 41 अभिनेताओं में से मिलने का सोच रहे हैं, जिसमें से एक अक्षय भी हैं। अब अक्षय को तो इसमें होना ही था। वे ना है सिर्फ बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाने वाले अभिनेता और सबसे व्यस्त अभिनेता, साथ ही वे बहुत ही प्रभावशाली भी हैं और देश के एक अच्छे नागरिक भी। वे अभिनय के साथ और भी काम करते हैं जिसमें से ज्यादातर चैरिटी के लिए होता है और इनफैक्ट ये तो फिल्म में देशभक्ति से भी भरी और सामाजिक जागरूकता फैलाने वाली भी करते हैं। इतने सारे कैंप से भी जुड़े रहते हैं ये, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीब हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था कि जिसमें वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका या अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं का योगी की लिस्ट में होना तो अनिवार्य है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि बड़े ही प्रभावशाली लोग हैं जिनको आम लोग उदाहरण मानते हैं और फॉलो करते हैं। ना सिर्फ इनके फैशन या फिल्मों में माचो किरदारों के लिए बल्कि इनको राजनीतिक विचारों के लिए भी, या इनके द्वारा किए समाज के लिए अच्छे कामों के लिए। अब देखना ये बाकी है कि असल में बात क्या थी जो योगी ने इन्हें बुलाया। क्या ये कोई नई कैंपेन चलाने वाले हैं या बस देशवासियों के हित में कुछ आदेश दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपके अंदर के फिल्मी नर्ड को सुकून मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हमारे अगले वीडियोस में आप किन मूवीज या सीरीज के बारे में बात करना चाहते हैं। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।